हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जो डिश बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मनपसंद है बच्चों की भी बड़ों की भी, जो कि है फ्रेंच फ्राइज। और फ्रेंच फ्राइज बाहर के जैसे तो बनने से रहे, हमने एक नया तरीका निकाला है फ्रेंच फ्राइज को बनाने का, जिसके लिए सिर्फ आपको दो आलू चाहिए और कुछ मिनट। तो ये है रेसिपी फ्रेंच फ्राइज की, आप ज़रूर फॉलो करिए और बाद में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। हम डिश बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए दो छिले हुए और कटे हुए आलू, थोड़ा सा चावल का आटा, थोड़ी काली मिर्च पाउडर, सफ़ेद नमक और काला नमक। अब जो हमने आलू काटे थे उन्हें हमने एक टॉवल पे रख दिया है धोके, ताकि वो उनका सारा पानी सोख लें। अब हमने इन आलू को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया, सोख कर लिया टॉवल में, ताकि अच्छे से सूख जाए। अब हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इस ऑयल को हम थोड़ा हीट कर लेंगे। अब हम इन आलू में आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच सॉल्ट। दोनों नमक डालने हैं आपको, आधी चम्मच सफ़ेद नमक और आधी चम्मच काला नमक और एक चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा नहीं है तो मैदा। अब इनको अच्छे से कोट कर लेंगे फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर हमारा ऑयल भी हो चुका है अच्छी तरीके से। अब ये आलू फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इन आलू के कटआउट्स को अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। जब आपके पोटैटो ऐसे अच्छे से गोल्डन क्रंची होते हैं, जब आपको ऑफ कर देना है एंड इसको बाहर निकाल देना है। और ये हमारे सुपर गोल्डन क्रंची फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुके हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो प्लीज़ लेट अस कमेंट एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।